सबसे पहले देशवासियों को, माताओं बहनों को, छठ व्रत जो रखे हैं उन सभी को छठ मैया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ मैया उन सब की कामनाएं पूर्ण करें, ऐसी छठ मैया से प्रार्थना करता हूं। बॉम्बे में भी बहुत धूमधाम से मनाना शुरू हो गया है, तो मुंबई में भी गत कई वर्षों से छठ मैया का पूजन जुहू में पहले बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हुआ था और 2012 से हमने यहाँ पर जो है आक्सा बीच पर यहाँ पर जो सबर्बन में रहते हैं उन भाइयों बहनों के लिए, उन परिवारों को जो कि गांव नहीं जा पाते हैं, जहाँ आप सभी जानते हैं कि जब छठ पूजन का दिवस आता है तो उसके पहले बहुत सारे अपने माताएं बहनें गांव चली जाती हैं। ज़्यादातर लोग तो गाँव में जाकर मनाते हैं छठ पूजा, लेकिन जो नहीं जा पाते हैं उनके लिए यहाँ पर हम लोग सुविधा करते हैं। 2012 में हम लोग ने यहाँ पर शुरुआत की। पहले हम लोगों ने यहाँ पर चाय और चेंजिंग रूम की व्यवस्था 2-3 साल करी, बाद में जब देखा कि रोज हर साल गर्दी बढ़ते जा रही है तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी 2015 से हम लोग ने शुरू किया और इसमें कई लोग आते हैं जो यहाँ लोकल है, वापस चले भी जाते हैं, लेकिन जो दहिसर और वहाँ और आगे से आते हैं वो लोग यहाँ रुकते भी हैं, तो उनके लिए पूरी रात चाय पानी की व्यवस्था और जो छोटे बच्चे हैं जिनके साथ में छोटे बच्चे आते हैं उनके लिए दूध बिस्किट की व्यवस्था हम लोग अपने प्रयास फाउंडेशन की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करते हैं। जैसे देखा गया है कि काफ़ी पार्टी के बैनर लगे हुए, तो बीजेपी ने क्या स्पेशली इंतजाम, सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी क्राउड है, तो किस तरह का कुछ बताएंगे सर इसके बारे में? देखिए इसमें क्या है, एक तो पहली बात आप समझो कि जो ये हिंदू त्यौहार अपने होते हैं ये तो व्रत का त्यौहार है, इसमें व्रत में महिलाएं अपना व्रत रखती हैं और निराजल रहती हैं। पिछले 3 दिन से ये चल रहा है और आज के दिन में व्रत रखा हुआ है, कल सुबह जब अर्घ देगी तब वो व्रत छोड़ेंगी, तो सब अपनी सद्भावना से, अच्छी भावना से लोग काम करते हैं। इसलिए मैं करीब 10 साल से जब देख रहा हूँ तो ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि भावुक जो भाविक हैं, जो व्रती हैं, वो अपना पूजन में रहते हैं और उनके साथ में जो परिवार रहता है उनकी व्यवस्था, जो लोग भी यहाँ मंच लगाते हैं, जो लोग भी काम करते हैं, वो उसी भावना से करते हैं कि हम सुविधा दें लोगों को, तो सुविधा देने के उद्देश्य से करते हैं, ना कि कोई अपना झंडा ऊंचा करना है या अपना कोई ये करना, ऐसी भावना जो भी लगाते हैं यहाँ पर उनका कोई ऐसा भावना नहीं रहता है, इसलिए आपस में कोई क्लैश वाला काम नहीं रहता है कि कोई आपको अव्यवस्था दिखेगी। महाराष्ट्र की राजनीति पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे सर? अभी तो छठ मैया का व्रत है, उसके बारे में आप छठ मैया से आशीर्वाद मांगिए कि महाराष्ट्र और तेज़ी से प्रगति करे। अभी तो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार आई है तो जाहिर सी बात है छठ मैया का आशीर्वाद है ही, इसीलिए आई है और अब प्रगति करेगी जोर से। कौन सी वाली शिवसेना? असली वाली शिवसेना तो भी है हमारे साथ में, विजय जी हम जानना चाहेंगे छठ पूजा जो यूपी बिहार वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो लोग यहाँ भी नहीं आ पाए या उनको था, कई लोगों ने कहा कि देखिए आप देखोगे ना तो अपनी भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी की सरकार ने चाहे जहाँ से पूरे हिंदुस्तान से कम 124 या उससे ज़्यादा ट्रेनें चलाईं,
जो खासकर बिहार झारखंड के लिए, बिहार झारखंड के लिए 124 ट्रेनें चलाई, जो जिससे कि लोग अपने गांव भी जाकर छठ मैया का पूजन कर सके। जो नहीं जा पाए, जैसे अभी यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर अक्सा बीच में हो रहा है, आप थोड़ा आगे जाओगे तो मढ़ में भी है, वहाँ पे भी हम लोग की व्यवस्था है चाय पानी की और चेंजिंग रूम की। पीछे दहिसर में है, दहिसर में भी अपने कार्यकर्ता हैं जो लोकल वहाँ के, वो लोग करते हैं। कहीं कहीं तालाब जहाँ बड़ा रहता है वहाँ पर भी किया जाता है। तो लोग स्वयंसेवी संस्थाएँ भी बहुत हैं जो जुड़कर हमारे साथ में काम करती हैं और अच्छी व्यवस्था जितनी कर सकते हैं उतना करते हैं। शुरू में जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसका विरोध हुआ था महाराष्ट्र में, लेकिन बीजेपी नहीं, वो महाराष्ट्र में विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि संजय निरुपम ने उसको पॉलिटिसाइज करने का ट्राई किया था जुड़ू में, जब फर्स्ट टाइम किया था। इस यहाँ पर महाराष्ट्र में आप कोई भी चीज़, आप देखो पूरी दुनिया यहाँ बसती है, मिनी इंडिया महाराष्ट्र मुंबई को आप कह सकते हो। तो यहाँ कोई त्यौहार जो जिसको जो मनाना है मनाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन उसको आप पॉलिटिसाइज करोगे, पॉलिटिसाइज यानी क्या कि मैं ही इसका वाली हूँ ऐसा बोलोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा। तो संजय निरुपम ने उसको थोड़ा सा अलग रूप देने का कोशिश किया था, इसलिए वो विवाद हुआ था। कोई संजय निरुपम ने शुरू किया तब से हो रहा ऐसा नहीं है, जब से छठ मैया का व्रत तो सदियों से शुरू है, जब से जहाँ जहाँ लोग रहते हैं अपना पूजन करते ही हैं। यूपी और बिहार की ज़्यादा पब्लिक बॉम्बे में है, तो अभी जो इस बार कमी रह गई है आपकी नज़र में, वो अगली बार किस तरह से करेंगे कुछ इसके बारे में? देखिए, जीवन जो है ना हमेशा सीखने में जाता है और सीखने में कोई बुराई नहीं है। जब भी किसी भी कार्यक्रम का हम लोग आयोजन करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि अच्छा से अच्छा कार्यक्रम किया जाए, अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए। लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम में कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है, तो उसको फिर बैठ के अगली बार सोचते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं और फिर उस पर करते हैं। उसके बाद फिर उसमें भी कुछ ना कुछ अलग निकलता है, क्योंकि क्या होता है कि जो यहाँ पर लोग आते हैं क्राउड ना, हर अलग अलग जगह से आते हैं, तो उनका नियोजन करना इतना आसान नहीं, मतलब कोई अंदाज़ा नहीं रहता है। आप देखोगे कभी लगेगा कि पूरा भर गया है, या शुरू में जब 4 बजे आओगे तो लगेगा कि खाली है, शायद आज इतना रश नहीं होगा। लेकिन आप जब 5 बजना चालू होता है तो लगता है कि आपको तो पहुंच ही नहीं पाओगे, इतना रश हो जाता है। इसलिए बहुत अनप्रेडिक्टेबल क्राउड होता है, हर साल बढ़ता है क्राउड, तो जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे सुविधाएँ हम लोग कोशिश करते हैं कि सब संस्थाओं से मिलकर उसको बढ़ाएँ। लास्टली आप और बीजेपी, आपकी पार्टी की तरफ से पूरे देशवासियों को क्या अपील करना चाहेंगे? पूरे देशवासियों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि छठ मैया का आशीर्वाद प्राप्त करें और जो अपने धर्म में अपनी लोगों के प्रति सद्भावना रखने का, लोगों के प्रति अपना प्रेम बरसाने का बताया गया है, उसी हिसाब से सबके साथ हम लोग बिहेव करें, सबको अपना समझें। और पूरा देश एक है और पूरे देशवासियों के लिए छठ मैया से प्रार्थना करें, वो तो चाहे किसी भी जात कास्ट धर्म के हों, सब अपने देशवासी हैं, सभी देशवासियों का भला हो और जग का कल्याण हो, यही छठ मैया से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। एक और सवाल प्रजय जी, आप बीजेपी लीडर भी हैं और सोशल वर्क भी आप बहुत सारा करते रहते हैं, बहुत सारे आपके पोस्ट हमने देखा, वेबसाइटों पे भी देखा, क्या कुछ कहना चाहेंगे, अगला कदम क्या होगा आपका सोशल वर्कर? अगला कदम तो इधर से उतर के उधर प्रोग्राम देखना है जी। नहीं नहीं, आगे कुछ बड़ा कुछ कितना डिफरेंट होता है एक सोशल वर्क और एक पॉलिटिशियन? हम लोग जो है ना, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है ना, तो वो काम बेसिकली कार्यकर्ता जो अपने अंदर जो कार्यकर्ता रहता है ना, वो कार्यकर्ता नहीं बनना चाहिए, हमारा वही ध्येय रहता है कि कार्यकर्ता यानी काम करते रहो, बाकी चिंता हम लोग नहीं करते, या बाकी अगला कदम पिछला कदम के बारे में सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। काम करना पार्टी का, क्योंकि पार्टी देखो अपनी पार्टी क्या बोलती है, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, और सेल्फ क्या बोलती है, सेल्फ लास्ट, सेल्फ थर्ड नहीं बोलती है। क्यों बोलती है? क्योंकि आप नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र पहले है, राष्ट्र के काम, राष्ट्र की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो भी राष्ट्र के बारे में आप करते हो वो पहले, वो प्रायोरिटी है, उसके बाद में आप पार्टी के बारे में सोचो। पार्टी के बारे में सोच के तो आप अपने बारे में सोचो, ऐसा नहीं बोलती पार्टी। पार्टी क्या बोलती है, सेल्फ लास्ट, यानी अपने बारे में लास्ट, यानी लास्ट कब? हमारी पार्टी का क्या है
कि अंत्योदय तक, यानी व्यक्ति जो आखिरी पंक्ति में खड़ा है, जब तक उसका कल्याण नहीं होता तब तक आप अपने बारे में नहीं सोच सकते हो। ये बीजेपी की टैग लाइन है। ये अगर बीजेपी का काम करना है तो मोदी जी ने या अपने लीडरशिप ने सीधा पोस्टर लगा के रखा है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। लास्ट यानी थर्ड नहीं, बस इतना आप ध्यान रखो, लास्ट यानी लास्ट। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।